हाय मॉमीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाना हर मदर के लिए एक ब्लेसिंग है। हावेवर ये भी सच है कि बहुत सारी सिचुएशंस में हम बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते, चाहे वो हमारी तरफ से हो या फिर बेबी की तरफ से हो। अब ऐसे में एक न्यू मदर क्या करे? क्या वो गिल्टी फील करे, डिप्रेस हो जाए कि मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हूँ, या फिर वो टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट करके एक अच्छे ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करे जिसके थ्रू वो अपना ही दूध पंप करके अपनी बेबी को पिला सके और एकदम बेफिक्र हो जाए क्योंकि अब वो अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे पा रही है। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मॉम हो या आप एक न्यू मदर हो या आप एक न्यू मदर को विजिट करने वाले हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि उनके पास डे वन से ही एक अच्छा ब्रेस्ट पंप जरूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ना करा पाए या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाए तो कोई ऐसी सिचुएशन बने इस जर्नी के दौरान जहां पे उन्हें एक ब्रेस्ट पंप का यूज करके अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना पड़े। जैसे हो सकता है वो बीमार पड़ जाए या उन्हें ट्रैवल करना पड़े या फिर उन्हें अपनी जॉब वापस रिज्यूम करनी पड़े, जिस केस में एटलीस्ट बेबी का न्यूट्रिशन सफर नहीं करेगा। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के केस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहले को मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क दे पाई थी काफी हद तक ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एंड उस टाइम पे भी मैंने ब्रेस्ट पंप यूज किया था। एंड सेकेंड बेबी के टाइम में मैं ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करा पाई, ड्यू टू सम इश्यूज मुझे शुरू से ही ब्रेस्ट पंप का यूज करना पड़ा। तो लास्ट 7.5 महीने से मैं एक्सक्लूसिवली पंप करके अपने बेबी को जितना हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क देने की कोशिश करती हूँ। शुरू के महीनों में काफ़ी ज़्यादा दिया, अब धीरे धीरे मेरा मिल्क थोड़ा सा कम हो रहा है जैसे जैसे उसके सॉलिड स्टार्ट हो रहे हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो मुझे ब्रेस्ट पंप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेस्ट पंप ऐसा होना चाहिए जो नंबर वन आपका टाइम सेव करे, आपको जल्दी रिजल्ट दे। नंबर टू, उस पंप में इतनी पावर हो कि वो लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क भी जो आपकी ब्रेस्ट में होता है उसको तक निकाल ले, क्योंकि बच्चे को कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए दूध का, हाइंड मिल्क और फोर मिल्क, जिससे कि उसको एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, सिर्फ आगे आगे का मिल्क नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा, ब्रेस्ट पंप अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि मेरे बेबी को जो मिल्क मिल रहा है वो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से मिल रहा है। सो गाइस, लास्ट 7.5 महीने में मैंने काफी सारे ब्रेस्ट पंप्स ट्राई किए हैं बिकॉज मेरा काफी सारा टाइम दिन में ब्रेस्ट पंपिंग में ही जाता है। मैं 4 से 5 घंटे एटलीस्ट बिटवीन डे एंड नाइट स्पेंड करती हूँ, तो मुझे पंप काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है और एक ब्रेस्ट पंप की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, स्पेशली अगर आप उसे इतना ज्यादा यूज कर रहे होते हो तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसे चेंज करना पड़ता है। तो लकीली मेरा एक्सपीरियंस जो अभी तक मैंने पंप्स यूज किया उसके साथ बहुत अच्छा है। मैं काफी रिसर्च करके कोई चीज लेती हूँ बिकॉज इन दी एंड आप अपने बेबी को ये दे रहे हो तो यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट आपके पास बेस्ट चीज हो। तो रिसेंटली आई केम अक्रॉस फिलिप्स एवेंट सिंगल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। इसके मैंने पहले रिव्यूज पढ़े, रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी सारे मॉम फोरम्स का मैं पार्ट हूँ सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे जब मैंने इसका फीडबैक देखा तो फीडबैक बहुत ही अच्छा था कि मिल्क बहुत जल्दी निकलता है, मिल्क का आउटपुट बहुत अच्छा है, कम्फर्ट बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत कीन थी कि मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहती हूँ एंड नाउ दैट आई हैव बीन ट्राइंग इट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स तो मैं इसके रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जैसे आप देख सकते हो डिज़ाइन बहुत ही स्लीक है, बहुत हैंडी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सिंपलिसिटी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि मदर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में कुछ ना करना पड़े, एकदम सिंपल सेटिंग्स दी गई हैं। अनदर गुड थिंग अबाउट दिस पंप इज कि आप इसको चार्ज पे लगा के एक जगह पे बैठ के पंप कर सकते हो या फिर इसके साथ एक माइक्रो यूएसबी अडैप्टर आता है उससे आप अप टू 5 आवर्स इसको एक बार फुली चार्ज कर लो और उसके बाद आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं अभी तक अपने बेबी के साथ काफी ट्रैवल कर चुकी हूँ बाय प्लेन बाय रोड और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके उसे फ्रेशली एक्सप्रेस्ड मिल्क ही दूँ। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरीके के पंप्स जिनको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, आप मिल्क पंप करो और बेबी को दे दो। तो मैंने प्लेन में, रोड ट्रिप में, हर जगह एक्सप्रेस करके अपने बेबी को मिल्क दिया है, तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अलॉन्ग विद दैट मुझे इसका कंफर्ट बहुत अच्छा लगा, इसमें आपको आगे लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जिस पोजिशन में बैठे हो वहाँ बैठो, आपकी बैक को रेस्ट मिलता है और आप पंप को अपने निप्पल पे लगाओ एंड पंपिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको बैक एक की प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो काफ़ी सारे पंप्स में क्या होता है कि आपको बिल्कुल आगे झुकना पड़ता है, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल बिकॉज वो आपकी बैक के लिए ठीक नहीं है।
मिल्क फ्लो भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, बहुत क्विकली मिल्क आता है। इसमें 8 लेवल स्टिम्युलेशन सेटिंग्स हैं एंड 16 लेवल एक्सप्रेशन सेटिंग्स हैं, तो आपको किस स्पीड पे कंफर्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आप वो स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड स्मार्ट मेमोरी फीचर होने की वजह से ये पंप आपकी लास्ट सेटिंग को याद रखता है, तो आपको बारी बारी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस बार मैं कौन सी सेटिंग्स को यूज करूं, पंप विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर द सेटिंग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, ये जो फ्लैनल आपको मिलता है ये वन साइज फिट ऑल है। मुझे काफी सारे लोग लिखते हैं कि हमने ब्रेस्ट पंप तो ले लिया बट उसका फ्लैनल हमें फिट ही नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, काफी सारे पंप्स में क्या होता है कि फ्लैनल छोटा पड़ जाता है या फ्लैनल बड़ा पड़ जाता है, जिसकी वजह से मिल्क का आउटपुट आपको वैसा नहीं मिल पाता जैसा आपको मिलना चाहिए। बट इस पंप के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये वन साइज फिट ऑल है। इनफैक्ट जो फ्लैनल है वो आपको बहुत ही अच्छा एक कुशन और एक कंफर्ट देता है, तो आपको ऐसा भी नहीं फील होता कि आपकी ब्रेस्ट हर्ट कर रही है। एंड ऑब्वियसली आपको सेटिंग भी थोड़ा देखना पड़ता है, आप बहुत ज्यादा स्पीड कर दोगे और आपकी ब्रेस्ट अगर हर्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको स्पीड को थोड़ा कम करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली देखना होगा। मैं जैसे एकदम टॉप स्पीड यूज करती हूँ और मैं उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हूँ, बिकॉज इस पंप की जो टॉप स्पीड है वो ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट नहीं देती है मुझे। और जब आप पंप यूज करोगे तो आपको फील होगा कि इसे बिल्कुल नेचुरल मोशन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। जैसे बेबी की जो नेचुरल सकिंग होती है, जो मोशन एक मदर को फील होता है, वो ही मोशन आपको इस पंप के साथ भी फील होगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये पंप वर्क करता है, सो दैट्स अगेन अनदर गुड थिंग। तो ओवरऑल मेरी तरफ से मैं इस पंप को 10 out of 10 दूंगी। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। मैंने इसे फर्स्ट क्राई से मंगाया था। फर्स्ट क्राई पे डिफरेंट डील्स चलती रहती हैं, तो हो सकता है यू विल बी लकी एंड यू कैन फाइंड अ बेटर प्राइस देन द MRP। डू चेक इट आउट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइज, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइट पे है, बट मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा ब्रेस्ट पंप जिसमें एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, अच्छे ब्रांड का हो, वो एक सर्टेन प्राइस के साथ तो आएगा ही, एंड दैट इज अ प्राइस दैट यू पे फॉर इंश्योरिंग दैट आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे पाए। सो वीडियो एंड करते हुए मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है कि आई एम अनेबल टू ब्रेस्ट फीड माई बेबी, वॉट टू डू, नाउ यू नो वॉट टू डू। आपको एक अच्छे ब्रेस्ट पंप की जरूरत है जिसके थ्रू आप अपना ब्रेस्ट मिल्क अपने बेबी को सेफली और हाइजीनिकली दे सकते हो, दैट टू विदाउट इंश्योरिंग कि आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर पीपल हु वॉन्ट टू डू इक्वल पेरेंटिंग, बिकॉज इसके थ्रू आप अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, जो बेबी को फीड करा सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क थ्रू बॉटल या थ्रू अदर फॉर्म्स, एंड दे कैन इन्जॉय एंड बॉन्ड विद द बेबी। Thank you so much for watching MomCom India. Bye-bye.